नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एयर कंप्रेसर से क्या पेंट हो सकता है। ये जो पेंट मैं आज इसमें करूँगा वो होगा डिस्टेम्पर पेंट। डिस्टेम्पर बेसिकली आपने देखा होगा, ब्रश से लोग करते हैं जनरली, ब्रश का यूज़ करके। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। डिस्टेम्पर मैंने ये मिला लिया था, इसके अंदर कलर पिंक, तो इसलिए शायद आपको ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा। और इसको मैं एक सूती कपड़े से, कोई अब जाली वाला कपड़ा हो उससे आप छान सकते हैं। छान के इसके अंदर मैंने डाला उसको, फिर मैंने उसको यूज़ किया था। वीडियो थोड़ी लंबी ना हो दोस्तों, तो मैंने इसलिए बीच बीच में थोड़ा सा उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, तो प्लीज़ माइंड मत करना। देखिए देखिए फ्रेंड्स, पहले दीवार हमारी कैसी थी और होने के बाद कैसी होगी वो पता लगेगा। और इससे एक ये चीज़ भी है कि काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। मतलब कंपेयर करें अगर ब्रश से, तो ब्रश से क्या है कि थोड़ा टाइम लगता है, हाथ हाथ भी थोड़े दुखते हैं, इसमें थोड़ा काम इजी हो जाता है। एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ये अभी खाली मैंने एक ही कोट किया है फ्रेंड, और एक ही कोट में आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा फर्क दिख रहा है आपको। इस पूरी वॉल को करने में मुझे हार्डली 14 से 15 मिनट लगे थे बस, एक वॉल को। ये जिसका साइज है अराउंड 10x10 फीट, ये पूरा कोट होने के बाद देखिए किस तरह से एकदम आ रही है उसकी क्लैरिटी। ये 25 लीटर का एयर कंप्रेसर टैंक है जिससे मैं पेंट कर रहा हूँ इसमें। ये उसी में तभी तभी मैंने दूसरा कर दिया। और ये देखिए फ्रेंड्स, होने के नेक्स्ट डे बाद ये कुछ इस तरह का था।